फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह बनी निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट। बाजार में भले ही अच्छी खासी तेजी बनी, लेकिन आज निफ्टी एनर्जी कमजोर था और बहुत ज़्यादा दबाव था। इस एनर्जी सेक्टर में आज गिरावट देखने को मिली, करीब आधा प्रतिशत की गिरावट निफ्टी एनर्जी में थी। उसका इफेक्ट हमें सुजलॉन एनर्जी में भी देखने को मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुजलॉन एनर्जी वीक हो चुका है इस लेवल पर, परंतु यहाँ पे खरीदारी का मौका बन रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दो तीन बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक बार समझ में आ जाएगी कि वाकई में इस समय आपको सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ में ऊर्जा ग्लोबल तो लगातार अपर सर्किट लगाने लगा है। एक तरह से देखे तो इसके जो इन्वेस्टर हैं उनको एक बार लॉटरी लग चुकी है। 11 रुपीज़ का लो बना के फिर से 20 के पास पहुंच चुका है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिला है कम समय में। फ्रेंड्स, क्या ऊर्जा ग्लोबल ऐसे ही आगे दौड़ता रहेगा या फिर यहाँ पे गिरावट बाकी है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं सुजलॉन के। तो स्टॉक ओपन हुआ 10 पर, हाई बनी 10.05 की, लो है 9.75 का, अंत में 9.80 पर क्लोजिंग रही। 1.51% की गिरावट रही और इस गिरावट के पीछे वजह है पावर सेक्टर में गिरावट। निफ्टी एनर्जी में भी आधा प्रतिशत की आज गिरावट रही। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 6 महीने पहले इसकी प्राइस यानी 27 सितंबर 2021 को प्राइस 6.30 थी, यानी 6 रुपये का स्टॉक था। फिर ये दौड़ते हुए 12.80 पर पहुंचा 17 जनवरी 2022 को, यानी 13 तक पहुंच गया। लगभग दुगुना से शानदार रिटर्न दिया बहुत ही कम समय में, लेकिन फिर बाजार में गिरावट का दौर जारी हुआ तो ये स्टॉक नीचे आया। लेकिन अभी भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपरी लेवल से तो काफ़ी कम गिरावट है, क्योंकि इसका जो लो है 6 महीने का वो 6 रुपीज़ का है और फिलहाल स्टॉक 10 रुपये के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी भी लोगों को मिल रहा है जो निचले लेवल से खरीदारी कर चुके हैं। वॉल्यूम को देखें तो BSE में 74,55,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 41,42,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 55.56% है। बात NSE की करें तो 1,56,87,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 87,65,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 55.88% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार क्वांटिटी में कामकाज हुआ है और जो डिलीवरी बेस्ड काम है वो 50% से ऊपर है। इसका मतलब लोगों ने अच्छी खासी डिलीवरी उठाई है सुजलॉन की। अब यहाँ पे वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कल इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम में स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, ये अच्छी बात है इसके लिए। 4.40 इसका 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक का ही है। फिलहाल स्टॉक 9.75 पर है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा बन रहा है, स्टॉक बिल्कुल ओवरबोर्ड झोन में नहीं है। और जो सबसे बड़ी लोगों की जो चिंता थी ASM लिस्ट की, तो बिल्कुल बाहर आ चुका है, यही इसकी मजबूती है। जिस तरह से इसको ASM की लिस्ट से बिल्कुल बाहर किया गया, क्लियर किया गया, इसके बाद समझ में आ जाती है कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है। अभी भी बहुत सारे स्टॉक है जो अभी ASM की लिस्ट में स्टेज 4 तक पहुँच चुके हैं, तो ऐसे में सुजलॉन एनर्जी को ASM की लिस्ट से बाहर कर देना, ये इसकी मजबूती को दिखाता है और इससे आपको निवेश के लिए आपका भरोसा भी बनता है कि कंपनी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे अब सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है, क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी का अधिग्रहण कोई और कंपनी कर लेगी, तो बहुत सारी संभावनाएं बनने लगी है। जैसे कि बड़ी बड़ी जो पावर सेक्टर की कंपनियां जो थर्मल पावर प्लांट का काम कर रही है, अब वो धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी है, अपने कारोबार को चेंज कर रही है, क्योंकि सरकार ने भी कह दिया है कि आने वाले समय में जितना कारोबार है सिर्फ ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा। तो टोरेंट पावर ने एक बड़ी एक्विशन की है और इन्होंने 156 मेगावाट विंड पावर प्लांट की एक्विशन की है। और ये इनकी जो ये जो एक्विशन हुआ ये SE के साथ में हुआ है, जो हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है और सब्सिडियरी कंपनी है सूर्या विद्युत लिमिटेड, इसके साथ में इन्होंने इनके पास से ये विंड पावर का जो प्लांट है ये ले लिया है। और ये टोरेंटो पावर इस सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं, ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में विंड पावर का कारोबार करेगी कंपनी। और आपको पता ही होगा टोरेंटो पावर भी गुजरात बेस्ड कंपनी है। और आप देख लो कि लगातार बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को चेंज करने लगी है, इससे ये बात धीरे धीरे उछल के आ रही है कि क्या जल्दी ही सुजलॉन का अधिग्रहण भी कोई बड़ी कंपनी कर लेगी। अब जैसे कि बहुत सारे लोग फिलहाल अधिग्रहण में लगे हुए, अब अदाणी भी इस ग्रुप में आ चुका है, अदाणी ने भी ग्रीन एनर्जी का कारोबार शुरू कर दिया है, विंड पावर के क्षेत्र में आ चुकी है। और यहाँ पे अदाणी ग्रुप की नज़र पहले से सुजलॉन पे है, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी सुजलॉन है, उसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं।
और यहाँ पे सामने क्लियरली मेंशन हो रहा है कि सुजलॉन एनर्जी इस सेक्टर की लीडर है और अदानी ग्रुप के आने से उनको कोई खुशी नहीं हो रही है, यानी उनको एक कंपटीटर मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि अदानी ग्रुप ही इस कंपनी को अपने में मर्जर कर ले, क्योंकि अदानी ग्रुप बिल्कुल नए है और सुजलॉन के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आने वाले समय में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस तरह से प्रमोटर लगातार वीक हो रहे, यहाँ पे दूसरी कंपनी का अधिग्रहण बिल्कुल हो जाएगा और ये कंपनी नए सिरे से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखो कि कंपनी का कारोबार तो तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपनी ने इस बार रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन पेश किया है। तो ये आने वाले समय में कंपनी के डूबने की कोई संभावना नहीं, बल्कि अधिग्रहण जरूर हो सकता है और फिर कंपनी किसी और के साथ मर्जर होकर तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। एक समय इसकी प्राइस 400 के आसपास थी, आपको ये ध्यान रखना है। तो बिल्कुल मौका है जब इसमें खरीदारी करें। जैसे कि अदानी अपने बिजनेस को तेज़ी से फैला रहे, ऐसे में उस बिजनेस को किसी एक्सपीरियंस हाथों में सौंपना जरूरी है ताकि वो अपने कारोबार को और फैलाए। तो आप समझ लो कि जल्द ही सुजलॉन एनर्जी का अधिग्रहण कोई और कंपनी करेगी, ऐसी संभावना बनने लगी है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात, एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, अब बहुत सारी जो स्टेट है वो इसके ऊपर फोकस करने लगी है कि जो छोटे SMEs हैं उनको इस बिजनेस में लाया जाए, यानी सोलर और EV सेक्टर में, जहाँ पे प्रचुर संभावना है। सरकार की तरफ से उनको बहुत सारी बेनिफिट भी दी जा रही है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए उनको कहा जा रहा है कि इसमें आपको करना चाहिए बिजनेस। तो काफ़ी, जैसे स्टेट ऑफ तेलंगाना भी इस मामले में डिस्कस कर रही है कि ऐसे इवेंट किए जाए, जैसे अभी फिलहाल ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ग्रीन एनर्जी का हो रहा है, ये 24 से 25 मार्च 2022 को होगा हैदराबाद में। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो यूथ है उनको अट्रैक्ट किया जाएगा कि आप भी इस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में पार्टिसिपेट करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो लगातार अब तेलंगाना भी कोशिश कर रहा है कि इस सेक्टर में आगे बढ़ा जाए। तो ये आप देख लो कि धीरे धीरे इस सेक्टर में तेज़ी के साथ संभावना बन रही है, तो निवेश का जरिया बनता है। आपको इस समय ऐसे सेक्टर के शेयरों में निवेश करके रखना चाहिए। सुजलॉन एनर्जी डेफिनेटली अब आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 92% बाई की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.80 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 9.65 तक स्टॉक जा सकता है, और तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 9.40 का, तो गिरावट हुई तो फिर 9.40 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल में जो इसको रेजिस्टेंस मिलेंगे वो 10.20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 10.45 का स्तर देखने को मिलेगा, वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 10.60 तक जा सकता है। बात अगर ऊर्जा ग्लोबल की करें तो यहाँ पे तो एक तरह से लोगों की लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि कम समय में स्टॉक फिर से 20 के पास पहुँच चुका है। आज की बात करें तो 19.25 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 32 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 29 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 66 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है, जो इशारा है कि सर्किट खुल सकता है। तो अगर आपने भी 11 रुपीज़ के आसपास इसमें खरीदारी की है तो आप भी 22-23 रुपये के आसपास इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। अगर पैसा दुगुना हो जाता है कम समय में तो कभी भी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, ये उसूल है इस मार्केट का कि कम समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया तो कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लियरली बोला है। जितने मैंने पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट किए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया तो उसमें बने रहे, चाहे कितनी भी अप डाउन होती रहे, फाइनली वो अपने टारगेट पर पहुँच जाएंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5.10 52 वीक का लोअर, 33.40 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 19 पर है, कंपनी बहुत मजबूत है। कंपनी ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों में काम कर रही है। कंपनी ईवी व्हीकल का निर्माण कर रही है, लगातार पूरे हर स्टेट में अब उनके धीरे धीरे शोरूम खुल रहे और कारोबार आगे बढ़ रहा है। ईवी बैटरी का निर्माण तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जितने व्हीकल होंगे ईवी बैटरी के ऊपर ही चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि सोलर रूफटॉप का काम कंपनी तेज़ी से कर रही है, और स्ट्रीट लाइट में तो इंडिया में नाम है बड़ा, यह सोलर स्ट्रीट लाइट का कामकाज इनका कंपनी का बहुत अच्छा है। हर तरह के सोलर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा अर्ध कुंभ मेला हुआ था, तो अर्ध कुंभ मेला में जितने भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी सब इन्होंने ही की थी, और आर्मी को भी ये सोलर लालटेन सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, ये छोटा पेनी स्टॉक आगे जाके मल्टी बैगर बनेगा, निवेश आपको करके रखना चाहिए और आने वाले समय फिर से तेज़ी का अवतरण बनेगा। लगातार जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है तो ये मौका है जब थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी भी बाजार में गिरावट की संभावना बनी हुई है, तो समय समय पर प्रॉफिट बुक भी करते रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।